ओ भाई कालू सो रहे है के? अरे रात के ना उतरी के, अरे रात घर ना गया कैसे पड़ा यहाँ? अरे रात बुढ़े ने लठ बजा दिया। कैसे भाई कैसे? रात में पी के लाला के जा पड़ा, छो छो में पता ना के कह दिया। उस सारी जुगाड़ को कुछ कह दिया के कुछ? हाँ पता ना के कह दिया। फिर तो जो रात भाई का रोल सही सा हो गया होगा ना, कई दिन ना घर बाहर निकलने की, घर तना निकलने की। वाह देख सामने आ रही। के कहाँ चला? अरे तुम बुझो मत ना, बस आज इसे मजा चखा कर रहूंगा। कितना सुहाना लगता है, कितने खूबसूरत है ये खेत। वाकई में बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। दिलीप, कुछ लोग इस शांति से भी कुछ नहीं सीखते ना। अब कालू को ही ले लो, कितना गुस्सा भरा है उसके अंदर, किसी बात की परवाह नहीं। क्या तुम भी इस मौसम में फिजूल की बातें उठा बैठ? नहीं दिलीप, आखिर कालू ऐसा क्यों है? मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना जिद्दी लड़का नहीं देखा। छोड़ो भी बरखा, तुमने भी किस घटिया लड़के की बात उठा ली। यहाँ मैं हूँ, तुम हो, और ये हसीन मौसम। लगता है जनाब शायरी के मूड में है। शायरी का नहीं, प्यार का मूड है। मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए। नहीं बरखा, आखिर हमारी शादी होने वाली है। तो क्या शादी तक इंतजार नहीं कर सकते? क्या बरखा, अपनी चीज का भी इंतजार। मर्द औरत को आखिर चीज ही क्यों समझते हैं? आखिर वह उसके जीवन साथी है, पहले उसे समझना चाहिए। अच्छा बाबा, ठीक है चलो। अब देखना कैसे धक्का मारते हुए जाते हैं अम्मा। अगर गुरु उन्हें पता चल गया तो चुप मर ले। देखिए आ लिए। बस गुरु, धरी रह गई मिसाइल। मर गए। साहब दोनों टायर पंचर हो गए। दोनों टायर पंचर हो गए। राम राम नेताजी। नेताजी नमस्ते नमस्ते। क्यों यार नेताजी, गाड़ी खराब होगी के? कोई बात ना, हम ठीक करवा देंगे। चलो रे नेताजी, गाड़ी में पंचर लाओ लगवा के। तुम आ जाओ, हमारा घेर है नजदीक से, इतने दूध दाद पियो। वो तो ठीक है, लेकिन दोनों टायरों में एक साथ पंचर कैसे हुआ? पंचर पंचर तो जी रास्ते ही खराब है। पर तुम इंगे को कैसे आ गए? बाईपास पे जाम लग रहा है। मेरा ड्राइवर कहने लगा कि इधर से निकाल लेता हूँ। हाँ जी हाँ जी, आओ। आओ नेताजी आओ, यू है हमारा घर, तुम यहाँ बैठो। राम राम नेताजी। आज नेताजी गांव में कैसे आए, कुछ चुनाव ना आ रहे के? ये मेरे पिताजी। ओहो आइए आइए, ये आपका लड़का तो बड़ा समझदार और समाज सेवी है। इसने रास्ते में आते हुए गांव की सभी समस्याएं समझाई और इसने हमारी मदद भी की है। यह तो बड़ी अच्छी बात है जो इसने हमारी मदद करी। नेताजी आप बैठो। ये देश ही सुधर जाएगा अगर हर घर में ऐसा नौजवान हो। हाँ तो देश का नाश ही ना हो जाएगा। राम राम जी नेताजी, राम राम जी। आइए लाला जी, आप यहाँ कैसे? अरे मनु को यह बात तो हमें पूछनी चाहिए कि आज आप यहाँ कैसे? चलो घर चलो, खाना बनवा दूंगा। लो नेताजी दूध पियो। हाँ हाँ। और मनु को सब ठीक तो है? हाँ सब कुशल है, आप बताइए। अजी दया है आपकी, पर रोटी खा के जानी पड़ेगी। अनु के मैं छोटू, आज हम खाना खाने नहीं आए थे, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, तब हमें ये लड़का मिला, इसने हमारी मदद की है। इसने गांव की सभी समस्याएं हमें समझाई। ये बड़ा ही होनहार लड़का है। हाँ जी हाँ, बढ़िया को तो बढ़िया ही बताना चाहिए, हम कभी से निकम्मा बताएं। बड़ा होनहार बेटा है। पर मैं कहूँ वही चलते, चलो खाना बनवा दूंगा। साहब गाड़ी ठीक हो गई। अच्छा भाइयों अब हम चलते हैं। बेटे कालू तुम इस तरह समाज सेवा में लगे रहो और हमसे जुड़े रहो। नेताजी गांव का भी ध्यान सारा रखियो। बिल्कुल हम पूरा ध्यान देंगे। आज तो नालायक और निकम्मों को भी लायक बताया जा रहा है। नहीं दिलीप तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर हम उसके गलत कामों को गलत बताते हैं, ठीक कामों को ठीक भी तो हमें ही बताना चाहिए। तो जब भी देखता हूँ तुम काम में लगे रहती है, क्यों अपने नाजी बातों पर इतना चुम ढाल गया है? एक बात कहूँगी तो, अगर तुम बुरा ना मानो तो। तुम तो हमारे मेहमान हो, हम तुम्हारा बुरा कैसे मान सकते हैं? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अब तुम्हारे वजह मेरा दिल नहीं लगता। विद्युता तुम कितनी खूबसूरत हो, शायद तुम्हें भी नहीं पता है। फूफा जी आज तो सारा जमा हुआ है। पूरा जम रहा यू के छोटे हैं ने। स्कोर क्या अंकल? अभी अंग्रेजी में चल रहा, हिंदी में आपको बता दूंगा। सुबह सुबह इनका भी मुंह देखना पड़ेगा। लाला कुछ ना कमेंट्री सुन रहे? लाला तू टाड़ी मार कमेंट्री फोमेंट्री सुनने की। ये सब शहरी लोगों के चोंचले हैं, एक गेंद और डंडा सा लेके खड़े हो जाएं, खराब करें लोगों का पूरा पूरा दिन। जीतते कभी है ना? तुम्हें कुछ मालूम भी है क्रिकेट के बारे में? पता तो जब चलता है जब मैदान में उतरते हैं। यूँ तो एक डंडा सा मुझे दे दो, सांझ लो मैं भी मारता रहूँगा। अगर इतना ही दम है तो खेल के दिखाओ। कैसे चुप हो गया गुरु? क्या खेल लेंगे, इन्हें हराने में भला कुछ है? कौन खेल सके हमारी गेल? हम खेलेंगे, दिलीप खेलेगा। बोलते क्यों नहीं? क्यों बोलती बंद हो गई? इसमें बोलने की कौन सी बात है? चलो पर हार जीत का फैसला कौन देगा? फूफा जी देंगे। इसमें तो शरीफ सा आदमी चाह। ओ बाबा भूत, तू हमें बेईमान बता रहा है। आजा मैदान में चल। ईमानदारी और बेईमानी का तो वहीं चलेगा पता। चलो ना फिर। बल्ला पकड़ना भी आता है, कहीं गेंद आती देख के बल्ला ही हाथ से छूट जाए। गुरु बोल का भोलेनाथ आज दिखा दे अपने हाथ, हमारी दुआ है तेरे साथ। चिंता मत करो, आज तो कुछ हो जाएगा। होगा क्या तुम्हारी हार? आज तेरी हार निश्चित है शहरी टमटम। मैनू कहूँ मैच शुरू करो। छक्का होगा तो। ओए लाला छक्का क्यों ना दे रहा? मैं कौन तू छक्का? क्यों? गेंद लाल पे गिरी और लाल से परे हो छक्का तो। लाला लाल पे भी छक्का हो। छक्का कौन तू? 5 दे दूंगा। नहीं फूफा जी ये छक्का होता है। अच्छा चल तू कह रही है तो छक्का दे देंगे। ओए लाला ये है तू? अब पाता रोक के आउट हो गया। ओए लाला ठीक रह ले, तेरे सिर में बल्ला मार दूंगा। तू मार देगा और हम भी कुछ मार सके, हम भी मार देंगे। नू के मैं छोड़ दूं। चलो फूफा जी इससे कोई आउट नहीं है। भाई जल्दी करो भाई, डॉक्टर ले चलो जल्दी करो, खून बहुत बह रहा है। दिलीप ये तुमने क्या किया? तुम अच्छी तरह जानते हो उसे खेलना नहीं आता, वो अनाड़ी है। मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ बॉल फेंका। तुम अच्छी तरह जानते हो तुमने सिर्फ बॉल नहीं फेंकी है। कालू के बारे में कुछ पता चला? वो अब कैसा है? ठीक हो जाओगा। और उसे क्या होगा? नहीं गीता उसे बहुत गहरी चोट आई है, कम से कम हमें पता तो लगाना चाहिए। ए मरण भी दे, हमें की जरूरत है पता लगाने की। हे भगवान कैसे हो तुम लोग? बुआ जी कालू के बारे में कुछ पता लगा क्या? पता क्या लगाना, ऐसे नालायक निकम्मों को तो चोट लगे तभी कुछ न होता। नहीं बुआ जी उसे चोट हमारे कारण लगी है, तो उसकी तबीयत के बारे में पूछने का हक भी तो हमारा बनता है ना। 2 दिन में भूल गई उसने तेरे साथ क्या करा था। आप उस बात को इस बात से क्यों जोड़ते हैं? और कौन सी बात से जोड़े? ठीक है मैं आपसे कुछ नहीं पूछती। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटी, बैठ। सुना लाली, शहर में तेरे माँ बाप ठीक है? हाँ जी, सब ठीक है। जब तेरे पापा जी लाला जी के यहाँ आए थे ना, तो मेरे द्वारा जरूर होकर जाते। अच्छा जी। अब तो मुझे कितने दिनों तक दिखे कि वो यहाँ आए भी ना। हाँ अंकल, पापा आजकल ज्यादा बिजी रहते हैं। लाली तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लाऊं बना के। अंकल आप कैसी बात कर रहे हैं, आप मेरे लिए चाय बनाओगे? मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ। तो लाली दूध पी ले। अंकल आप रहने दीजिए ना। अंकल वो, अंकल आप कालू की तबीयत कैसी है? वो तो ठीक है, उसका क्या हुआ? अंकल उसे चोट लगी थी ना। ऐसी चोट तो उसका लगती रहे। नहीं अंकल, मैं उसे माफी मांगने आई थी, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। लाली तू क्यों दुख मान रही, खेल में तो चोट लगती रहे। नहीं अंकल, कालू के बहुत ज्यादा चोट लगी और इसे इतना खून भी बहा, ये सब मेरी वजह से तो हुआ। और मुझे कल रात से नींद भी नहीं आई है। लाली तू ज्यादा दुख ना मानने, ऐसे के तो जितनी चोट लग जाए उतनी कम है। अंकल कालू इतना बुरा नहीं है जितना हम लोग उसे समझते हैं। मैं कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाती, लेकिन नासमझी में मैंने कई बार उसे दुख पहुंचाया। और अब तो उसे मेरी वजह से इतनी गहरी चोट लगी है, जबकि उसने मुझे कभी चोट पहुंचाकर बदला नहीं लिया। लाली तू ज्यादा परेशान ना हो, देख लिया साथ लो, फिर उसका कोई उलहना लेगा। अंकल आखिर कालू ऐसा क्यों है? लाली साल भर का था जब इसकी माँ गुजर गई थी, कभी मम्मा के कभी कहीं, बस यूं ही रह गया। अच्छा तो आपने उसे पढ़ाया नहीं? पढ़ाया भी, वहाँ तभी रोज उल्हाने ले आकर था। फिर इसकी शरारत सी बढ़ती गई, फिर यूं कमल तक कालू बन गया। तो आप इसे समझाते कि पढ़ाई कितनी जरूरी है जिंदगी में। कालू यहाँ देख, क्या छोरी आई है? तो के करण आई है यहाँ, जिनके आई है उनके रहवे। या इसकी गलती ना होते है भी, ये तेरे तो माफी मांगने आई है। और तू, इसमें भी इसकी कोई चाल होगी। हाँ तुझे तो सब अपने जैसे दिखाई दे, घर पाए मेहमान तक ऐसे बात करी जानो बिना पता। आप रहने दीजिए अंकल, इनका गुस्सा जायज है, आप इन्हें कुछ ना कहे। उसे तेरी चोट का कितना दुख है, उसे सारी रात नींद नहीं आई, और तू अपनी धुन में। दिलीप अच्छा एक बात बताओ, क्या किसी इंसान को बदला जा सकता है? हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर बदलने वाला आप जैसा हो। प्लीज दिलीप मजाक मत करो, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। तो क्या मैंने जवाब सीरियसली नहीं दिया है? मैं तुमसे पूछती ही नहीं। अच्छा गीता तुम बताओ। भाई मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, तुम दोनों से तो बात करना ही फजूल है। तीर गया काड़ जने चीर, दिल में उतर गया तीर गया काड़ जने चीर, दुश्मन यार हो गया। बैरन ते प्यार हो गया, एक बैरन ते प्यार हो गया। दिल में तेरी तस्वीर बदल गई मेरी तकदीर, दिल में तेरी तस्वीर बदल गई मेरी तकदीर। बेदर्दी यार हो गया, हाय बैरी ते प्यार हो गया, हाय बैरी ना मेरा ख्याल तोड़े मलाल गया दिलहार मेरा। घने कटीले नैन उड़ा दिया चैन रे, मैं तो मार गिरा। कितना मेरा ख्याल तोड़े मलाल गया दिलहार मेरा। घने कटीले नैन उड़ा दिया चैन रे, मैं तो मार गिरा। धर लूं क्यों कर धीर, मैं हूँ रांझा तू है हीर। धर लूं क्यों कर धीर, मैं हूँ रांझा तू है हीर। जीना दुश्वार हो गया, ओए बैरन ते प्यार हो गया, एक बैरन ते प्यार हो गया। दिल में तेरी तस्वीर बदल गई मेरी तकदीर, दिल में तेरी तस्वीर बदल गई मेरी तकदीर। बेदर्दी यार हो गया, हाय बैरी ते प्यार हो गया, हाय बैरी ते प्यार हो गया। दिल में तेरे उजाला नाम तेरा काला लगन लाग्या प्यारा। गया मिसरी सी घोली उकड़वा बोल, चैन लुट गया सारा। दिल में तेरे उजाला नाम तेरा काला लगन लाग्या प्यारा। गया मिसरी सी घोली उकड़वा बोल, चैन लुट गया सारा। हाय बैरी ते प्यार हो गया। दिल में उतर गया तीर, गया कालजे में चीर। दिल में उतर गया तीर, गया कालजे में चीर। दुश्मन यार हो गया, हाय एक बैरन ते प्यार हो गया, ओए बैरन ते प्यार हो गया। मैं तो था अनजान, तू बन मेहमान मेरे दिल में आ गई। हे दोनों नादान हुई पहचान, लगन तेरी लागी। मैं तो था अनजान, तू बन मेहमान मेरे दिल में आ गई। हे दोनों नादान हुई पहचान, लगन तेरी लागी। दिल पे खिंची लकीर, बड़े प्यारी जंजीर। दिल पे खिंची लकीर, बड़े प्यारी जंजीर। दिल बेकरार हो गया, हाय बेरी ते प्यार हो गया, हाय बेरी ते प्यार हो गया। दिल में उतर गया तीर, गया कालजे में चीर। दिल में उतर गया तीर, गया कालजे में चीर। दुश्मन यार हो गया, ओए बैरन ते प्यार हो गया, एक बैरन ते प्यार हो गया, हाय बैरी ते प्यार हो गया, हाय बैरी ते प्यार हो गया, ओए बैरन ते प्यार हो गया, एक बैरन ते प्यार हो गया। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते लाली। अंकल जी आप क्या कर रहे हो? लाइए मुझे धोने दीजिए। ए बेटी ये तो मेरा रोज का काम है। नहीं, आज आप मुझे धोने दीजिए। ना बेटी, तो तुम्हारी मेहमान है, हम तेरे पे काम कैसे करवा सके? आज अगर आपने मुझे काम नहीं करने दिया ना तो मैं कभी आपके घर नहीं आऊंगी। ठीक है, लग कर ले, मेरा जी तो मानता है। आप बैठे अंकल, इसके बाद में आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है, मैं बाहर बैठक में बैठा। अरे छोरी यहाँ काम कर रही, जो इसमें मुँह तभी बोल पड़ा ना, तेरी खाल तार दूंगा। इस तक कौन के कह रहा है? थोड़ा सा घर का काम कमल जी आप भी कर लिया करें तो क्या बिगड़ जाएगा। पकड़ ले, इसने जहर नहीं डाल रखा। और एक कप अंकल को भी दिया। अंकल पंकल को अपने आप दिया, मेरे से काम बताने की जरूरत ना। चाय भी अपने जैसी बनाई है, गर्मा गर्म। ले भाई बीड़ी पी ले। कालू भाई बीड़ी पी ले। कालू कहाँ है? बीड़ी पी ले। ला छोड़ यार, मेरा मन्ना है। बीड़ी को मन्ना है तो सिगरेट मंगावे। नहीं यार, सिगरेट का भी मन्ना है तो कुछ और मंगावे। जब मैं कह रहा हूँ यार किसी चीज का मन ना है। तो किस चीज का मन है वह बता। किसी चीज का ना है, कुछ तो है, हमें बता। अरे जब मैं कह रहा हूँ बस तुम मुझे अकेला छोड़ दो। अरे अकेला तो हम ना छोड़ दे, बात में जरूर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, मुझे तो पूरा गड़बड़ा लग रहा। गड़बड़ा के हो वो हो याहू के जुगाड़ हो। याऊ याऊ घंटी है जो चुप चुप बजती है। नहीं, याऊ याऊ घंटी से जो चुप चुप बजती से। समझ गया, घंटी है जो चुप चुप बज रही है। याऊ याऊ घंटी है जो चुप चुप बजती है। याऊ याऊ घंटी है जो चुप चुप बजती है। याऊ याऊ घंटी है। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटी, तेरी उम्र लगा हुआ भगवान। अंकल कहीं जा रहे हो क्या? हाँ बेटी, मुझे कुछ काम है, मैं बाजार जा रहा हूँ। अंकल 2 मिनट रुको, मैं आपको बढ़िया सी चाय बना के पिलाती हूँ। ना बेटी, मुझे देर हो जाएगी, वापस आकर भी घर के काम देखने। ये तो कुछ करे नहीं। क्या अंकल, कमल अभी उठा नहीं है? मुसीबत तो जितनी देर सोती रहे ना उतनी ठीक है। क्या अंकल आप भी। ना बाबा, चिढ़ गया तो अकड़ू राम। बारिश नहीं, ये बरखा है। पानी की छींटे मैंने मारी थी। मेरे ऊपर पानी क्यों गिरा? मैं झाड़ू लगा रही थी तो धूल उड़ रही थी। कमल को धूल से बचाने के लिए बरखा की। यहाँ। जी बुआ जी। कहाँ जा रही है? वो राम सिंह अंकल के यहाँ। क्यों जा रही है वहाँ? बस ऐसे ही, मुझे उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ काम में हाथ बटाना भी बहुत अच्छा लगता है। तू ये भी जानती होगी उनके घर में एक आवारा लड़का भी है। बुआ जी, कमल अब आवारा नहीं है, वो अब सुधर चुका है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, समझी ना। अब बुआ जी जो कह रही है ना, बिल्कुल ठीक कह रही है। अब हमें यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए। चलो अब चलने की तैयारी करो। ठीक है, और कुछ? आप कहाँ जा रही हो? देखा बुआ जी। कमल, कमल, कहाँ थी तू? अब लो, मैंने तड़की उठ के सारा काम भी निपटा लिया, चाय भी बना ली, तुझे कई बार बाहर तक भी देख आया। जरा सी खुड़खुड़ाहट हो गया तो ऐसा लगे जैसे तू आई हो। तुझे पता है मेरा एक एक मिनट कैसे बीत रहा है? कमल, जरा मुझे भी तो बताओ कि तुम्हारा एक एक मिनट कैसे बीता। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ। क्यों कर रहे थे इंतजार? मुझे ना पता। तुम्हें नहीं पता तो मैं चलती हूँ। रुको बरखा, कालू को कमल बना के वापिस चली जाओगी? मुझे आज नहीं तो कल शहर वापस तो जाना ही है। ऐसा नहीं हो सकता, अगर बरखा ही नहीं होगी तो कमल भी नहीं होगा। नहीं, ऐसा मत कहो कमल, आखिर कब तक मैं यहाँ रह सकती हूँ? जब तक कमल है। नहीं, ये नहीं हो सकता। पत्थर में अगर फूल खिल सकता है तो ये भी हो सकता है। मुझे नया जीवन देने वाली तुम हो। बाहर क्या होती हैं, भंवरे क्यों गाते हैं, खुशबू क्यों बिखरती है, सूरज क्यों निकलता है, चांद रात भर आकाश में क्यों चक्कर लगाता है, मुझे किसने बताया? हर कहाँ गर छोरी तू नाट जागे, हर कहाँ गर छोरी तू नाट जागे, जियो ना कती भी धरती फाट जागी। ओ करके प्रेम गर छोरे तू नाट जागा, करके प्रेम गर छोरे तू नाट जागा, जीवते मर जायो अंबर फाट जागा। ओ हर कहाँ गर छोरी तू नाट जागे, करके प्रेम गर छोरे तू नाट जागा। चमके लागे शान में देखा चेहरे का नूर तेरा, बुनवासी के चांद सा हो रहा जौपन भरपूर तेरा, पाँव जमी पे धरती तू, दिल हो गया चकनाचूर मेरा, हो गया चकनाचूर मेरा, हो गया चकनाचूर मेरा। हाँ छोटू ना तेरा हाथ चाहे जिस बाट जागी, छोटू ना तेरा हाथ चाहे जिस बाट जागी, जियो ना कती भी धरती फाट जागी। ओ करके प्रेम गर छोरे तू नाट जागा, करके प्रेम गर छोरे तू नाट जागा, जीवते मर जायो अंबर फाट जागा। ओ हर के हाँ गर छोरी तू नाट जागी, करके प्रेम गर छोरे तू नाट जागा। भर के अगर छोरी तू नाट जागी, जियू ना कती भी धरती फाट जागी। ओ करके प्रेम अगर छोरे तू नाट जागा, भर के अगर छोरी तू नाट जागी। दावे की बनके मेरी तू हम जोली, मेरे बाबू के घर पे तू आके ले जाइए मेरी डोली। इबके साल मनाइए गोरी साजन के संग में तू होली, साजन के संग में तू होली, साजन के संग में तू होली। तेरा मेरा मेल नया रंग छाट जागा, तेरा मेरा मेल नया रंग छाट जागा। भर के अगर छोरी तू नाट जागी, भर के अगर छोरी तू नाट जागी, जियू ना कती भी धरती फाट जागी। हो करके प्रेम अगर छोरे तू नाट जागा, भर के अगर छोरी तू नाट जागी, करके प्रेम अगर छोरे तू नाट जागा। भर के अगर छोरी तू नाट जागी, करके प्रेम अगर छोरे तू नाट जागा। सुन छोरी, जॉन क्यों देख के अपनी जिंदगी बर्बाद करे? तुझे पता है कि कालू एक आवारा लड़का है। नहीं अंकल, कमल आवारा था, वह बदल चुका है। उसके बदलने से समाज नहीं बदलता, रीति रिवाज नहीं बदलते। और तुझे पता है कि तुम्हारी जात हमारी जात अलग है, ना इसे तुम्हारा ही समाज मान सकता और ना इसे हमारा समाज मान सकता। और अंकल आप? मैं भी तो समाज का एक हिस्सा हूँ। और बेटी, गांव के लोग रीति रिवाज, मान मर्यादा और अपनी बिरादरी के लिए पहले जीते हैं, अपने लिए बाद में। और मैं अपने लड़के के लिए रीति रिवाज नहीं तोड़ सकता। अंकल जरा मेरी तरफ देख कर बताओ, क्या मैं इस घर में आने के काबिल नहीं? ये बात नहीं है बेटी, ये घर तेरे काबिल नहीं है, मेरा लड़का तेरे काबिल नहीं है। तेरी जगह तो किसी राजघराने में है। नहीं अंकल, मेरी जगह तो आपके कदमों में है, मैं सदा आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो आज मुझे धर्म संकट में डाल दिया बेटे। मुझे नहीं पता अंकल, मैं आपकी बेटी बनना चाहती हूँ, मैं कमल के बिना नहीं रह सकती। ठीक है, अब तू जा, मुझे थोड़ा सोचने दे। लल्लू जी, रमलू जी, पटवारी जी, आप लोग काम कर रहे हैं? तो आप बता दो जी क्या करें? हाँ हाँ, काम कीजिए, काम करना तो बहुत अच्छी बात है। अब हम चाहे कि काम धंधा हम संभाल ही ले। फिर तो आप लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन जाओगे। हम तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, इस तरह बैठ जाओ, बात ही कुछ नहीं। अरे सुनो तो सही, तुम इसमें बैठो। थैंक यू। हाँ जी हाँ जी। अजी तुम एक बात बताओ, शहर में कोई थारी सहेली भी तो होगी? क्यों? अजी हम सोच रहे थे अब हमारी भी बात से बन जाती। वेरी फनी। हमारी तो सीरियस बात तो भी ऐसे है। अच्छा, आप लोगों को जलने की बू आ रही है क्या? ना जी, हम तो बीड़ी बिना पीते, जो कुछ जलता। बीड़ी की नहीं, कुछ और जलने की बू आ रही है। हमें नहीं आता जी कुछ, ना खुशबू ना बदबू। और हमारा 12 मास जुकाम भी रहे। ठीक है, आप लोग काम कीजिए, मैं चलती हूँ। अजी ध्यान रखियो हमारा भी। अच्छा। अच्छा? बाग। छोड़ो ना कमर, क्या कर रहे, छोड़ो। अच्छा। अच्छा भाग ना, मैं कालो भागी। क्या कर रहे हो, छोड़ो। नहीं नहीं कमल, छोड़ो ना, छोड़ो ना, देखो क्या करो। छोड़ा तू। क्या कर रहे हो, छोड़ो। नहीं नहीं कमल, छोड़ो ना, छोड़ो ना। क्या बात है? मैंने कहूँ गीता को, गीता साल 12 बाहर को गए हैं। बाहर को गए? हाँ। अच्छा, बाहर को गए? हाँ हाँ, बाहर गए हैं। घर में कोई ना है? जब सारे 12 बाहर गए हैं तो घर में कौन होगा? हाँ हाँ, घर में कौन होगा? हम अकेले हैं ना घर में। जब यहाँ कोई नहीं है तो हम ही है। मैंने कहूँ बोल, फिर क्या बोलूं बताओ? नहीं समझी। मैंने कहूँ इतना बालक काम है, इतना आराम कर ले। क्यों? मैं बालकों के सामने आराम नहीं कर सकती। ओहो, फिर नहीं समझी। तू बैठ तो सही, मैं तुझे समझाऊंगा। मजा कुछ ना समझना, तमंगाई ना करो मेरे घर। छोटू सुन तो सही। हाँ क्या बात है? मैंने कहूँ बैठ तो सही, अजीब तो बताऊंगा। क्या बात है बतलाऊंगे? मुझे ना पूछ ली बात, मुझे काम करने दो। अब मैंने कहूँ गृहस्थी में बतलाना भी जरूरी हो। अपनी उम्र भी देखा करो। बताओ लो, या उम्र ही देख रही। आज वह मुझे बिल्कुल नहीं पहचान सकती, खूब डराऊंगा उसे। अरे यार, कौन चली आ गए? रघु बता सके कि कमल कितना मिलेगा? कमल? कौन कमल? देखिए, मैं रोहतक से आई हूँ, मैं बरखा की मौसी हूँ। मौसी मर गए? कुछ कहा आपने? ना ना कुछ ना। आप बैठिए ना, बैठिए। आप कौन से? मैं वो कमल का चाचा हूँ ना, चाचा। अच्छा बच्चू, मुझे ही चला रहा है। मन में बेरा लाग गया से कि थारा कमल हमारी बरखा के पीछे लाग रहा से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ ना है। वो तो दोनों बच्चे आपस में प्यार करते हैं। प्यार? प्यार कोई खेल से? मैं तुम्हारे भतीजे की पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। हैं? रिपोर्ट? देखिए मौसी जी, मैं आपकी मौसी नहीं हूँ, बरखा की मौसी हूँ। आप जो भी हैं आराम से बात करें, कोई सुन लेगा हमारी आपकी बदनामी हो जाएगी। ठीक से बताओ, क्या कहो सो? देखिए, जब दोनों बच्चे खुश हैं तो हमें उनका ब्याह कर देना चाहिए। ठीक से हम ब्याह कर देंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्त से। थारा भतीजा मानता हो तो ठीक है। अच्छा, ये तो बरखा है। अगर नहीं मानता तो हम हरगिज़ शादी नहीं कर सकते। मेरा भतीजा कोई शर्त वर्त नहीं मान सकता। क्यों? उसे शादी ना करनी? अरे तुम्हारी नक्चड़ी भतीजी से भला हमारा भतीजा शादी करेगा? अच्छा, वो नक्चड़ी है? हाँ, वो बहंगी भी है। मैं बहंगी भी हूँ? तुम नहीं, वो तो कल्लो भी है। मैं कल्लो भी? तुम नहीं, वो उसकी नाक भी बहती है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बरखा सुन तो सही, रुक तो सही। अब बोलो, मैं बहन हूँ। बर्तन नहीं लगते, किसके पैर रखे हैं? वो तो मैं देख रही थी। अगर मेरी शादी गांव में किसी बेवकूफ से हुई तो मुझे कपड़े पहनने पड़ेंगे। गांव में शादी हो तो और भी बहुत कुछ करना पड़े। वो क्या बताऊं? मुझे नहीं पूछना कुछ। साग बना के मक्का की रोटी पका के, सिरसों का साग बना के मक्का की रोटी पका के खेत में लाइए तू मने खिलाइए तू, खेत में लाइए तू मने खिलाइए तू। हाँ आज पैसे खूब कमा के सोने का हार घड़ा के, आज पैसे खूब कमा के खम्मड़ होरी, जबर भरोटा लेके चल लरजे पोरी पोरी। अच्छा अरे तड़के उठ के दूध बिलोवे खम्मड़ खम्मड़ होरी, जबर भरोटा लेके चल लरजे पोरी पोरी। पाउडर और बिंदी लगा के लंबा घूंघट सरका के, पाउडर और बिंदी लगा के लंबा घूंघट सरका के मटकती आइए तू चाल के दिखाइए तू, मटकती आइए तू चाल के दिखाइए तू। अरे चाचा तेरा नखरा। अरे हम तो ठेठ किसान है गोरी, तू फैशन में बदलावे। हाँ बिहार चली जाऊंगी जो ठिकाना बढ़वावे। तू काढ़े काम भगा के, हाँ मत बोले शरत लगा के, तू काढ़े काम भगा के, गली मत जाइए तू, हार बढ़वाइए तू, हाँ चली मत जाइए तू, हार बढ़वाइए तू। सिरसों का साग बना के, मक्का की रोटी पका के, सिरसों का साग बना के, मक्का की रोटी पका के, खेत में लाइए तू मने खिलाइए तू, खेत में लाइए तू मने खिलाइए तू, पियाजी लाइए तू मने पहराइए तू, हाँ खेत में लाइए तू मने खिलाइए तू। मेरी समझ में नहीं आ रहा गीता, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूँ ना। अगर तुम शहर जाकर बदल गए, मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमने अच्छा नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है। और मैं शहर जाकर बदल क्यों जाऊँगा? मुझे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। यहाँ क्यों हो रहा है? यहाँ क्यों रो रही है? कुछ नहीं, ये हमारे आपस का मामला है, तुम जाओ यहाँ से। मैं पूछता हूँ या क्यों रो रही है? मैंने कहा ना तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, और तू होता कौन है हमारे बीच में बोलने वाला? चल अपना काम कर। मुझे मतलब है, तू ऐसे नहीं मानेगा। ये तेरी इंजीनियरिंग का मामला नहीं है और ना ही ये क्रिकेट का मैदान है। छोड़ी से, छोड़ी से। हाँ ये बात है, इतनी मुंडी डाल लग रहा इस टाइम मुझे। हाँ भाई तू बता क्या बात है? अंकल देखो ना, ये गीता की इज्जत लूटना चाह रहा था, अब मैंने बचाना चाहा तो मेरे से लड़ बैठा। पूछो गीता से। ये झूठ बोल रहा है, गीता से पूछ लो। मैं समझती थी तुम सुधर गए हो, लेकिन नहीं, पहले सिर्फ जानवर थे लेकिन अब शैतान हो गए। कभी जिंदगी में बरखा का नाम मत लेना। I hate you, I hate you। रुक जाओ बरखा, रुक जाओ, मैंने कुछ नहीं किया बरखा, तुम गलत समझ रही हो। रुक जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता बरखा, रुक जाओ। आज एक साथ कितने दिन हो गए? रुक जाओ बरखा, रुक जाओ, मैंने कुछ नहीं किया, झूठ है, झूठ है। रुक जाओ बरखा, मैंने कुछ नहीं किया, झूठ है, झूठ है, झूठ है। कैसी कैसी बात हो रही है दुनिया में, सुनकर अचंभा सा हुए। कितना बढ़िया राम सिंह, पर भगवान ने औलाद कैसी दी है। देखो बेचारे राम सिंह को शर्म के मारे घर तो भी नहीं निकलता। भगवान इतनी निकम्मी औलाद दुश्मन को भी न दे। हाँ जी, उसकी माया को वही जाने। अब देखो उनके मेहमान सा ना आवे तो काड़ू लाला की इज्जत बर्बाद कर देता। अभी किसे पता है कि इज्जत बच गई या बर्बाद होगी। अरे नु बताओ, वह छोरी आई थी, वह भी काड़ू ने पटा रखी थी। वह तो उसी दिन भाग गई। पता नहीं उस बेचारी के जीप में के भीतरी होगी। हेलो बरखा, तुम यहाँ खड़ी हो और मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ कर आ गया। क्या बात है बरखा, मैं तो जब भी आता हूँ तुम मुझे इसी तरह मिलते हो। आखिर भूल क्यों नहीं जाती वो बात? बरखा, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। अंकल, आखिर इसको हुआ क्या है? ये तो हमें भी नहीं पता बेटा। जब से अपनी बुआ के यहाँ से आई है तब से गुमसुम बैठी रहती है। आखिर हमारे साथ हुआ क्या है ये तो तुम ही बता सकते हो। कालू भाई कदलो पड़ा रहेगा यहाँ, थोड़ा बाहर घूम कर जी ठीक हो जाएगा। चल बाहर ना चलने से भाई मैं तो बीमार पड़ जाएगा। भाई दोस्त हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करे, हम कुछ कर भी तो ना सकते। हाँ यह भी बात है, पर फिर भी कुछ सोचेंगे। हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा। अब क्या करें जी? करना क्या है, मैं अग्रवाल साहब को फोन करता हूँ और ज़्यादा तामझाम की आवश्यकता नहीं। एक सादे समारोह में दोनों की शादी कर देंगे, सब ठीक हो देती, मुझे मरने नहीं देती, जीने नहीं देती, मुझे मरने नहीं देती। तेरी याद, तेरी याद है मुझे, तेरी याद, तेरी याद, तेरी याद है मुझे, तेरी याद। दम सा घुटे हैं मेरा जी तड़प उठे हैं, दम सा घुटे हैं मेरा जी तड़प उठे हैं। तेरे बिन न कुछ भी भाता, एकले का जी घबराता, तेरे बिन न कुछ भी भाता, एकले का जी घबराता। हंसने नहीं देती मुझे, रोने नहीं देती, हंसने नहीं देती, मुझे रोने नहीं देती। तेरी याद, तेरी याद है मुझे, तेरी याद, तेरी याद, तेरी याद है मुझे, तेरी याद। जीने नहीं देती मुझे, मरने नहीं देती, जीने नहीं देती, मुझे मरने नहीं देती। तेरी याद, तेरी याद है मुझे, तेरी याद, तेरी याद, तेरी याद है मुझे, तेरी याद। तेरा मेरा जोड़ा बिछड़ गया, दिन थोड़ी में डाका पड़ गया, तेरा मेरा जोड़ा बिछड़ गया, दिन थोड़ी में डाका पड़ गया। गलत फहमी मार गई, जीत पीत हार गई, गलत फहमी मार गई, जीत पीत हार गई। सोने नहीं देती मुझे, जगने नहीं देती। सोने नहीं देती मुझे, जगने नहीं देती। तेरी याद, तेरी याद है मुझे, तेरी याद, तेरी याद, तेरी याद है मुझे, तेरी याद। जीने नहीं देती मुझे, मरने नहीं देती। जीने नहीं देती मुझे, मरने नहीं देती। तेरी याद, तेरी याद है मुझे, तेरी याद, तेरी याद, तेरी याद है मुझे, तेरी याद। 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 गीता देख, बरखा की शादी का कार्ड आया, तुझे खुशी ना हुई? पहले तो तू उसकी छोटी छोटी खुशी पर आसमान सिर पर उठा ले रही, और आज इतनी बड़ी खुशी की बात है तो तू चुप है। गीता, गीता क्या बात है मेरी बेटी, कुछ तो बता। माँ, मैं दिलीप के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। करम जड़ी उतना के करा, इब हम दुनिया को के मुंह दिखावेंगे? इससे तो तू खुद पे क्यों मर गई थी? वो कौन है? सुनानी क्या? गीता तू? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। गीता की बात है, बात तो बता। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। मचा ले शोर भी, एक इल्जाम तो लगी रहा, एक और सही। नहीं कालू, मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद करी है, मैंने बरखा की जिंदगी बर्बाद करी है, मुझे जीने का कोई हक नहीं। नहीं गीता, कोई भी गलती जिंदगी से बड़ी नहीं। नहीं कालू, मैंने तेरी और बरखा की जिंदगी में जहर घोल दिया और तू मुझे बचा रहा है। नहीं, मुझे जीने का कोई हक नहीं। हाँ गीता, अगर तू आज अपनी गलती मान रही है तो तुझे घर भी वापस चलना पड़ेगा। नहीं कालू, तू नहीं जानता, अब मैं वैसे भी जीने के काबिल नहीं हूँ। दिलीप का बच्चा मेरे पेट में है और बरखा और दिलीप की कल शादी है। अब तो तुझे जरूर घर वापस चलना पड़ेगा। एक तो तेरे पेट में बच्चा है, दूसरा तुझे कुछ हुआ तो ये कलंक मुझे जिंदगी भर ढोना पड़ेगा। तुझे अपने हक के लिए अब जरूर जीना पड़ेगा। नहीं कालू, मेरे पिताजी के समाज में इतनी बदनामी हो जाएगी कि वे मर जाएंगे। बदनामी तो जो होनी थी होली, अब तो उस दाग को ढोने का टाइम आया है। चलो। निकालो। चाचा जी छोड़ दे लाली, इसने दोबारा ऐसी हरकत करी तो इसे जान मार दूं। नहीं चाचा जी, कालू ने कभी ऐसी हरकत नहीं करी। क्या कह रही है छोरी तू? हाँ चाचा जी, उस दिन भी मेरे चुप रहने के कारण इस निर्दोष पर इतना बड़ा इल्जाम लगा कि इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये उस दिन भी मेरे लिए लड़ा था और आज भी इसने मुझे बचाया है। गीता बेटी, तू क्या कह रही है? पिताजी मैं सच कह रही हूँ, उस दिन भी दिलीप मेरी इज्जत से खेला और बदनाम बेचारा कालू हुआ। आज मैं मरने जा रही थी तो इसने मुझे बचाया। पर तुम मरने क्यों जा रही थी? मैं दिलीप के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। पापा, पापा मुझे मारो, पर ऐसे चुप मत रहो पापा। पापा पर ऐसे चुप मत रहो पापा, कुछ तो बोलो। पापा मुझे मारो, पापा पर ऐसे चुप मत रहो पापा, कुछ तो बोलो। पापा मैंने आपकी इज्जत खराब करी है, मुझे जीने का कोई हक नहीं। ए छोरी, मरने तक किसी बात का हल नहीं निकलता। अगर गांव समाज तैयार हो तो हम पंचायत करके शहर में चलेंगे और उस छोरे को मजबूर करेंगे कि वो छोरा इससे ब्याह करे। ठीक है, हम सब थारी साथ हैं। चाचा जी सिर्फ मुझे ही नहीं, कालू को भी उसका हक मिलना चाहिए। सही कही गीता ने, बिल्कुल सही कही। कालू को भी उसका हक मिलना चाहिए। हम समझ गए, कालू एक अच्छा लड़का है। हाँ क्यों भाई राम सिंह? जो कहेंगे लाला जी कहेंगे, मैं क्या कहूँ। हाँ जो बात मेरे लायक है मुझे बताओ। पापा बरखा और कालू एक दूसरे को प्यार करते हैं और मेरे कारण बरखा को गलत फहमी हुई है। अगर बरखा और कालू एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इस ब्याह में कोई हरज तो होना नहीं चाहिए। जमाना बदल रहा है। पर लाला जी कभी भी लोग इस बात को न मानना। क्यों ना मानेंगे, जमाना कितने आगे जा लिया। अगर अब भी हम जात बिरादरी में बटे रहेंगे तो समाज के टुकड़े होते चले जाएंगे। समाज को एक करने के लिए हमें आपस में ब्याह शादी तो करने ही पड़ेंगे। आज तो तोड़ कर दिया लाल जी ने भी। अब मैं कहूँ अब कोई रह तो ना गया है। अरे मजे तो लुल गए सब। आलिए चलो भाई चलो। तो चलो फिर, चलो भाई चलो। बरखा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। देख बेटी बारात दरवाजे तक पहुंचने वाली है, जल्दी से तैयार हो जाओ। बेटी जल्दी तैयार करो इसे। हाँ दरोगा जी बात क्या है? कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है? हम बराती है जी, गाँव आए हैं, घर से ससुराल जा रहे हैं। मैं ले चलूंगा तुम्हें ससुराल। पहले इनकी तलाशी लो। ले लो पर ऐसी चीज लो जो मालदरिया हो तलाशी किसी का धोरे भी ना। अभी पता चल जाएगा ये ट्रैक्टर किसका है। ट्रैक्टर तो हमारा ही है, पता तो चले बात की है। चाचा कदे चाय पानी का इंतजाम यही करवा रखे हो, एक एक ठंडा यही हो जा तो क्या अर्ज है। तुम्हें ठंडे की नहीं डंडे की जरूरत है। अरे भाई दरोगा जी हमें देर होने लग रही है, हमें जान दे। चलो ये ट्रैक्टर पहले थाने ले चलो। देखिए दरोगा जी अगर हम टाइम पे ना पहुँचे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, हमारा शादी में पहुँचना ज्यादा जरूरी है। अजीत तुम्हें जो लेना देना हो यही कर लो, वहाँ चाय नाश्ता ठंडा हो जाएगा। ठंडा जब होने दूंगा तब ना। चलो दरोगा जी कह रहे हैं तो पहले थाने में चलो, नहीं तो मैं छोड़ दूं। ए लड़के पहले ट्रैक्टर सीधा थाने ले चल। चल ले यार। मैं तो बरात में कभी ना आता, अगर मुझे पता होता मैं तो बरात में कभी ना आता। अरे चुप हो जा, ले चलेंगे बरात में भी। बीड़ी पियाओ। अरे ससुराना बीड़ी भी कोई छोटी मारी जेब में। भाई लाला जी अगर यहाँ एक आध घंटा और रुक गए ना तो बहुत काम खराब हो जाएगा। हाँ भाई राम सिंह पर करे कैसे करे। अरे इस नैया को भी काड़ू पार लगा सके। भाई करू नू बैठे तक के काम चले। अरे भाई कुछ तो कर। अरे मर गया, अरे मर गया, अरे भाई तो भाई, अरे मर गया, क्या भाई हम लोग, अरे भाई, अरे मर गया, अरे मर गया, अरे भाई तो क्या, अरे बात है ये तो मजा। और मैं नू कहूं देखियो क्या उदेश से ये सब क्या हो रहा है। सामने आदमी को दर्द हो रहा है। अच्छा खोलो जरा जल्दी खोलो। अरे मर गया, अरे मर गया, अरे भाई तो भाई, अरे मर गया, अरे क्या होगा भाई, अरे क्या भाई हम लोग, अरे क्या होगा भाई, अरे मर गया, अरे क्या हुआ तुम लोग। अजी हमें दरोगा जी ने भेजा, मैं पूछूंगा जब जाने दूंगा। नेताजी 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 नेताजी। अरे कौन हो भाई, क्या बात है। आपने मुझे पहचाना नहीं नेताजी, मैं कालू। कालू कुछ याद नहीं आ रहा नेताजी। मैं वही कालू जिसने आपकी कार में पिंचर, मेरा मतलब है। ओ याद आया, तुमने गांव में हमारी मदद की थी। बैठो गाड़ी में बैठो। नहीं नेताजी मेरा कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है। बोलो क्या बात है। आप थाने जाके पिताजी लालाजी और गाँव वालों को छुड़ा दो, देर होगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है मैं थाने से सबको छुड़ाता हूँ। आपका बड़ा उपकार होगा नेताजी। ठीक है मैं चलता हूँ, आओ। हरि ओम गणनामता गणपति गंगवामये प्रिय नामता प्रियपति गंगवामये। हे आजा आदू बनो तुम लोग। भाई साहब मेरा नाम कालू है और हमारा अंदर जाना बहुत जरूरी है। अच्छा तो तुम हो कालू, आयो इनका जाना कितना जरूरी है सर इनको बता दो। ये शादी नहीं हो सकती। बरखा, तुम इससे शादी नहीं कर सकती, तुम्हें कालू से शादी करनी होगी। हाँ बरखा, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मेरी इज्जत से खेलने वाला कालू नहीं, ये था। ये सब मेरी वजह से हुआ। कालू निर्दोष है बरखा, कालू निर्दोष है। ये क्या बकवास कर रही हो गीता तुम? आज मैं बकवास कर रही हूँ? तुमने मुझे अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया और मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं कहीं मुंह दिखा सकूँ। ये झूठ बोल रही है बरखा। तुमने मुझसे शादी का वादा करा, क्या ये झूठ है? मुझे अपने झूठे जाल में फंसाया, क्या ये झूठ है? मेरी इज्जत से खेले, क्या ये झूठ है? मेरे पेट में पलने वाला बच्चा, क्या ये भी झूठ है? ये तुम क्या बोल रही हो? मैं सच कह रही हूँ बरखा, कालू निर्दोष है, कालू सिर्फ तुम्हारा है। मेरे किए पापों की सजा कालू को मिल रही है। बस करो गीता, बस करो, बस मुझे इतना बता दो कि वो कहाँ है। बाहर इस जालिम के गुंडों से लड़ रहा है। कमाल! कमाल! मुझे माफ कर दो कमल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया। मैं इसे छोड़ू ना, मैं इसे बिल्कुल ना छोड़ू, मैं इसका खून कर दूंगा। क्या बात हुई लाला जी, जरा हमें भी तो बताओ। ये बात पूछे मारे तक इतनी बड़ी बात होगी और ये बात मुझसे मैं छोटू। देखो लाला जी, अगर गीता और जो है दिलीप ब्याह कर ले तो बात कुछ भी ना है। और अगर ये अंकल, मैं गीता से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बात क्या, हमें भी तो बताओ। बात कुछ भी ना अग्रवाल साहब, गीता और दिलीप एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। जनोब जी, हमें तो गीता भी पसंद है। एक बात मैं भी कहनी चाहूँगा, बोलो। तम अब बरखा का ब्याह कालू कमल तकल। क्या कह रहे हो लाला जी, होश में तो हो, हमें बिरादरी में नहीं रहना। क्या बिरादरी? बच्चों की खुशी है, नहीं नेताजी, ये हरगिज नहीं हो सकता। मैं हाथ जोड़ के कहूँ रतनलाल, ये दोनों बच्चे एक दूसरे को बड़ा प्यार करते हैं। और सच कहूँ, इस बच्ची के कारण मेरा बेटा तो इंसान बन गया। इन दोनों की शादी कर, मैं तेरे पे झोली फुला के बरखा को मांगता हूँ, मुझे दे दो। ये मत सोच बरखा राम सिंह के घर जा रही है, ये सोच बरखा मेरे घर जा रही है, राम सिंह मेरा छोटा भाई है। नहीं लाला जी, ये हरगिज नहीं हो सकता। आखिर क्यों नहीं हो सकता पापा? ये बेवकूफ, बड़ी रात में मेरी नाक कटवा रही है। रुको बाबूजी, आप बरखा को कुछ ना कहें, चाहे आप हमारी शादी ना करें। हम यहाँ बरखा को लेने आए थे, आपकी बेइज्जती करने नहीं आए थे। मुझे आज मालूम हुआ कि मैं गंवार सचमुच बरखा के काबिल नहीं हूँ। ओ बेटा, जब मेरी बेटी को एक थप्पड़ सहन नहीं कर सकता, वो जरूर मेरी बेटी को सुखी रख सकता है। नकचड़ी तेरा मेरा मेल नया रंग छाट जागा, तेरा मेरा मेल नया